गर्गीयम इति, यहाँ से लेकर आता है बाल ब्रह्मा में, यहाँ जरूरी है ले लेना, यहीं से ले लो। तस्मय हितम इति गार्ग्य शब्दात छंद, तस्मय हितम इस अर्थ में गार्ग्य शब्द से छ प्रत्यय, गार्ग्य शब्दात छह, तस्य प्राग दिवितीयत्व भावात तस्मिन परे ययोश्च इति, ययो लुक भवत्येव इति नादि वृद्धिर इति भावः, इसलिए आदि वृद्धि नहीं हुई। गर्ग रूपम इति हेतु मनुष्यभ्य इति रूपे प्रत्यय, तस्य प्राग दिवितीयत्व अपि अजादित्व भावात तस्मिन परे यही अलुंग न, यही कालुक नहीं हुआ बल्कि लुक हो गया। यदि तो अजाद हो प्राग दिवितीय प्रत्यय परे, यदि व्याख्या ये था, यदि ऐसी व्याख्या करते हम अजादी प्राग दिवित प्रत्यय के परे रहते, ऐसा करते थे, तरी गार्गी शब्द से शब्द अच्छे तस ही आदेश करते अलुक विधि प्रवर्तित, अलुक विधि प्रवृत्त हो जाता, न तो तथा प्राग उसे पहले प्रवृत्त हो नहीं पाता। एवं छ प्रवृत्ति प्राग, छ की प्रवृत्ति पहले हमें यही औचित यही लुकी करते, यही औचित यदि यहीं को लुक कर देते हैं तो आदि वृद्धि निवृत्त हो, आदि वृद्धि निवृत्ति होगी तो गर्ग शब्द से वृद्धत्व आवाद, गर्ग शब्द का वृद्धत्व न होने से ततश्चो न सत छ नहीं हुआ। अणि सती गर्गा छात्रा इत्यो सत, और अण होने पर बहुवचन में तो गर्गा छात्र ही रूप बनेगा। आजादो प्रत्यवक्षित सती व्याख्यान, यदि ऐसा कर दूँ आजादी प्रत्यय परे रहते न कह करके आजादी प्रत्यय करने के लिए विवक्षित हो तो भविष्य में करने वाले हैं, अभी किए नहीं है, अभी हुआ नहीं है, इन आगे होगा ये मालूम यदि है प्रक्रिया के मुताबिक विवक्षित हो इति व्याख्यान है तो छह प्रत्यय विवक्षित है, छह प्रत्यय की विवक्षा दशा में ही तत्प्रवृत्त है, यही औष की प्रवृत्ति हो जाएगी तो प्रागेव यही अलुक विधि है प्रवृत्त हो, पहले ऐसे ही अलुक विधि की प्रवृत्ति होने पर यंत से वृद्धत्वाद यंत जो है वृद्ध है कि पहले अलुक विधि हो गया लुक हुआ नहीं, अलुक विधि होने से ही वो दीर्घ रहेगा, वृद्ध संज्ञा होगा, छह प्रत्यय हो जाएगा, छो निर्बाध से छह प्रत्यय निर्बाध होगा। यलोप विधो आपत्य स्थिति किम, यलोप विधि के लिए आपत्य स्थिति क्यों कहा, आपत्यनाति संकाश निर्वृत्तन नगर सांकाश्यम सांकाशद्योण्य तथो भवार्थे धन्वयोपधाद इति वहीं प्रत्यय हो गया, सांकाश का बना, यहाँ पर लुक नहीं हुआ कि आप अपत्यर्थ में नहीं था ना वो न्य प्रत्यय, न्य प्रत्यय अपत्यर्थ में नहीं था, तेन निवृत्तम सांकाश निवृत्तम विधि सांकाश्यम बना दिया था, इसलिए संकाश निवृत्तम यहाँ पर अपत्य से भिन्न अर्थक होने के नाते यहाँ पर सूत्र लागू नहीं, अन्य को लुक नहीं करा। और तहते किम गर्गी गार्ग्ये गार्ग्ययो हो इत्यादि सप्तमी एक वचन सप्ति द्विवचन इत्यादि लिया। अनाति इति किम, अनाति क्यों का, आति के प्रतीक भी यही लुक नहीं होगा, यानी गार्ग्यायण आयन आदेश व आकार आदि प्रत्यय पर मिल गया, योनि लुक योनि लुक योनि सप्तमी एक वचन लुक प्रतिमा के एक वचन, अजादो प्राग दिवितीय प्रत्यय विवक्षित इव प्रत्यय से लुक स्यात्, अजादी प्राग दिवितीय प्रत्ययों के विवक्षित होने पर यहाँ विवक्षित अर्थ कर रहे हैं इसलिए विवक्षित है इव प्रत्यय से लुक स्यात्, युवापत्य अर्थ में आए जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, ग्लुचुक से गोत्रापत्यम इति ग्लुचुकायनी, ग्लुचुक का जो गोत्रापत्य वो है ग्लुचुकायनी, वक्षमाण फिन्न हो जाएगा, फिन हो करके तो यूनियन उससे युवापत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, ग्लौ चुका यन बना युवा प्रत्यय से लोग युवार्थक जो प्रत्यय है वो लुक हो जाता है, प्रत्यय का दर्शन ही लुक है, प्रत्यय का संज्ञा होता है तो ग्लुचुक से गोत्रापत्यम, इस अर्थ पहले आपने ग्लुचुकायनी बना दिया, वक्षमाण फिन प्रत्यय हो जाएगा, फिन क्या है इतनी ताजी नहीं है ना, घी यदि आप ग्लुचुक ग्लुचुक से आप गोत्रापत्यम ही करोगे ग्लौचुकी बनेगा वास्तव में, ग्लौचुकी आदिवृत्ति ई के ई के कारण से काकार लोप मिला दिया, ग्लौचुकी बनना चाहिए तो ग्लुचुका यानी कैसे बनी गोत्रापत्य में, तब ने कहा कि भाई वक्षमान फिन प्रत्यय कर दो, वक्षमान क्या है फिन, कौन सूत्र है वो प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलाम, प्राचाम अवृद्धात वृद्ध नहीं है ना ग्लुचुका अवृद्ध है, इसलिए बाउल का क्या होगा फिन होगा,
फिन का फा को आयन आदेश, तो फा को आयन आदेश तो क्या रूप बने बचेगा वह प्रत्यय आयनी, आयनी बचा ग्लुचुका आयनी का क्या कर लोप ग्लुचुका आयनी, उससे आपने फिर युवा प्रत्यर्थ में अण प्रत्यय करोगे। अयन आदेश ग्लुचुकायनी ये रूप बनने के बाद तथा ग्लुचुकायनेर अपत्यम, तसे पत्यम अर्थ में आदिवृत्ति जैसे जैसे लोपे ग्लुचुकायन रूप बन जाता है, और युवा प्रत्यर्थ में किया तो अण लुक हो जाएगा, अनोलुकी इसलिए कह दिया। तस्य छात्रो भी ग्लव चुका है ना, क्यों वो जो आप प्रत्यय अण था वो लुक हो गया, अनोलुकी वृद्धत्व भावात छोना, इस अण का लुक हो जाने पर वृद्ध संज्ञा नहीं रहेगा, छ प्रत्यय नहीं होगा, नहीं तो तस्य छात्रार्थ में क्या होता ग्लव चुका निया बनना चाहिए, छ होना चाहिए था वृद्धा छ, लेकिन अण का लुक होने से ग्लव चुकायन क्या दिखता है उसको ग्लुचुकायन ही दिखता है, ग्लुचुकायन ही दिखने से वृद्धाश्रम अच्छा नहीं होगा। ग्लव चुकायन आपने बनाया और ग्लव चुकायन अर्थ में युवा प्रत्यय अण आया था, वो अण प्रत्यय लुक होगा कब आजादी प्रत्यय के प्रत्यय हुए, आजादी प्रत्यय क्या समाज विवक्षित था छ विवक्षित है, वो आजादी है उसकी विवक्षा में पहले युवा प्रत्यय लुक हो गया, लुक होने से आदिवृद्धि भी निवृत्त हो गया, दिखेगा ग्लुचुकायनी वृद्धा से छ नहीं हुआ, इसे सामान्य अण प्रत्यय होगा वहाँ पर भी छात्रवृत्त में भी रूप बनेगा ग्लव चुकायन, हाँ अणोलुक की वृद्धत्व भावात छो न पहलादिभ्यश्च पहलादिभ्यश्च पहलादिभ्य पच बहुचन चे दो पद ए भ्य युव प्रत्यय से लुक सियात, ये पहलादि गण पड़े शब्दों से आए हुए जो युवा प्रत्यय है वह युवा प्रत्यय का लुक हो जाता है। पीलाया वा पीलाया वा पीलाया वा पीलाया वा इतिहास, ये सूत्र याद दिला रहे हैं, यद्यपि अभी आया नहीं ना ये सूत्र तो आगे आने वाला है, पीलाया सूत्र से युवा प्रत्यर्थमाण हुआ था, तस्माद अणोद्वच इति फी अनंत से परे, अनंत जो द्वजंत है उनसे परे फीम प्रत्यय विधान हुआ, तस्य लुक उस फीम प्रत्यय का लुक हो जाएगा। पहला पिता पहला पुत्रश्च, इसलिए पहला अधिकरण विपरीत पीला पीलाया गोत्रापत्यम पहला है और पीलाया युवापत्यम भी पहला ही रहेगा, कि जब बीच युवापत्य फी आया था वो लुक हो जाएगा पहला से युवापत्यम, नहीं नहीं क्यों गोत्रापत्य अंश युवापत्य प्रत्यय आता है, लेकिन विग्रह वाक्य क्या कहेंगे युवापत्य कहने तो तदवंश जीवित दिखाना है, जीवित तो वंश युवा नियम है, इसलिए आप पीलाया युवापत्यम भी कह सकते हैं, पहले से अपत्यम युवा कह सकते हैं, पहले से युवापत्यम नहीं बोलना गलत हो जाएगा, पहल का जो बेटा है वो उस गोत्र का युवापत्य है, पहल का युवापत्य अर्थ क्या हो जाएगा पहल का चौथा पीढ़ी पे जाना पड़ेगा, पहल का बेटे का बेटे में जाना पड़ेगा, इन पहल का बेटा ही युवापत्य यह हमें बताना है ना, इसे विग्रह वाक्य बोलने बहुत अंतर पड़ता है, पहलस्य अपत्यम युवा कहने से पीला है दादा उसका बेटा पहली उसका बेटा पहला और उसका बेटा भी पहला, पीला पहला 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 बन जाएगा चौथे पीढ़ी में, यदि आप पहला से युवापत्यम कहोगे तो पहल परदादा हो गया उसका युवापत्य देख रहे हैं आप, पहल का बेटे के बेटे के बेटे में जा रहे हैं, ये इष्ट नहीं है, इसे पहले से युवापत्यम न कह करके हम लोग कहते हैं गोत्रापत्यांत यदि बोल करके हेमें हम उसका अपत्य युवा बताना चाहेंगे तो गार्गस्य अपत्यम युवा पहलस्य अपत्यम युवा ऐसे कहा जाएगा, अपत्य उसका जो अपत्य हो क्या है वो युवा संजक है, पहल जो गोत्रापत्य है उसका जो बेटा है वह युवा संजक है, क्योंकि उसका परदादा जिंदा है दादा भी जिंदा है बाप भी जिंदा है, तीनों जिंदे होंगे तब नहीं युवापत्य होगा संज्ञा उसका। पीलाया देखिए यहाँ पर इसलिए बाल ब्रह्म अंतिम मुक्ति देखो दिखा देंगे दोनों ही, पीलाया गोत्रापत्य और पीलाया युवापत्य च पहला शब्द है रूपम इत्याह, पहला पिता पहला पुत्र से थी, विग्रह क्या किया पीलाया गोत्रापत्यम
और पिलाया युवा पत्य, ये करना उचित होता है। तद राजा चाणः, तद राजा चाणः, तद राज संज्ञा वाले जो प्रत्ययंत होते पांच है ना, वो तद राज संज्ञा वाले ते तद राजा संज्ञा कर दिया। यहाँ आदित्य पांच संज्ञा है, वहां पर पांच प्रत्यय है, उन पांचों को तद राज संज्ञा कर दिया। तो संज्ञा के आगे व्यवहार हुआ, तद राज संज्ञा वालों से आप अन प्रत्यय कर दो, मैंने पांचों प्रत्यांतों से अन प्रत्यय होगा अर्थ विशेष। तद राजा च अण, तद राज वाले कौन थे, द्वे मगध इति अन्नंतात् आंग शब्दात अणोद्वचेति फियो लुक, आंग पिता आंग पुत्रश्च, द्वे मगध कलिंग सूर्यमसाद आण, ये सूत्र है आ गया है आपको 335 में। उस सूत्र के द्वारा आपने क्या किया, अंग शब्द से अण प्रत्यय कर दिया, अनंत दक्ष मिली आपको, अंगस्य अपत्यमिति आंग, अब उसका अंगस गोत्रापत्यम इति आंग, उसका भी अपत्यम युवा कहना हमने। वहां पर क्या होगा, अणोद्वच इति फियो, अणोद्वच फी हुआ वो लुक हो जाएगा व्यापत्य, पहला दिव्य से युवा प्रत्यय का लुक हो गया, इसलिए आंग पिता आंग पुत्रश्च, गोत्रापत्य का बिना आंग पड़ गया, युवापत्य का बिना अंग ही रह जाएगा। यहाँ प्राचाम, यहाँ प्राचाम, यहाँ पंचमी एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, गोत्रे या ई तदंताद युव प्रत्यय से लुक सियात तच्च गोत्रम प्राचाम भवती, गोत्र में हुआ जो ई प्रत्यय है तदंत युवा प्रत्यय का लुक हो जाता है, तदंत से आया वह जो युवापत्य प्रत्यय वो लुक हो जाएगा, लेकिन कब, यदि वह गोत्र प्राचीन दिशा संबंधी हो, मानी पूर्व देशवासियों का गोत्र, दक्षिण देशवासियों का गोत्र अलग होता है, पश्चिम देशवासियों का गोत्र अलग, मध्यम भारतीयों का अलग, उत्तर भारतीयों का अलग, पूर्व भारतीयों का अलग, क्योंकि तल क्षेत्र में ऋषि रह गए, उस ऋषि का वंश का प्रसार नहीं हुआ, वो आगे बिगड़े नहीं, इसीलिए सात गोत्र किन का, माता के संबंधी पिता के संबंधी सात गोत्र कहाँ होंगे, जिस देश में आप ऋषि वहीं का तो होगा, नहीं वो तो है ना, वो लोग पूरा देश घूमते रहे, अब कश्यप तो जिनको कोई जाए मालूम नहीं गोत्र कश्यप गोत्र हो जाता है, ये सारा संसार ही कश्यप का संतान है, जितने ऋषि महर्षि दक्ष प्रजापति वगैरह दस प्रजापति सारे तो कश्यप ने तो पैदा किया, ये सब जिसका गोत्र ज्ञान नहीं है उसको हम लोग तुम कश्यप गोत्र के हो, वो तो अज्ञात गोत्र वाले को कश्यप गोत्र कहा जाता है, कर्मकांड में तो पूर्ति हो ही जाएगी भैया, उसके बेटे बेटे के बेटे कौन मालूम नहीं हुआ, टुकड़े हुए अनेक ऋषि हुए, उन ऋषियों का उन और शिष्य बहुत राशि हुए, उनकी परंपराएं चली अलग अलग अलग, हमें मालूम नहीं किस परंपरा का है, तो मूल को पकड़ लेंगे, वो मूल कश्यप ऋषि थे, कश्यप को तो है ही है, जो भी हुए हैं सब कश्यप से ही हुए हैं, ये गलत हुआ नहीं, हम मूल गोत्र में चले जाएंगे। बाकी क्या होता था, ऋषि लोगों पर निर्भर होता था, ऋषि लोग गए अलग अलग जगहों में, बहुत सारे ऋषि घूमते रहे, उनसे आता नहीं क्या वंश ब्राह्मण क्या पढ़ रहे हो, सारा वंश ब्राह्मण ये तो दिखा रहा है मृदाने को परिषद में, अमुक ऋषि अमुक ने पढ़ा, अमुक से अमुक से पढ़ा, भरद्वाज से गौतम पढ़ा, गौतम से वशिष्ठ भी पढ़ा, सब है, शिष्य को भी बेटी दे देते हैं, ऐसे भी हुआ है केस, बहुत सारे कहानियाँ हैं पुराणों में सब, ये कोई गलत नहीं है, तो प्रसिद्ध है ना, कच्छ से शादी करना चाहती थी देवयानी शुक्राचार्य जी का बेटी, नहीं की उसने, शाप दिए एक दूसरे को, ये सब कहानियाँ आते हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो सब होते थे, तो जो ऋषि लोग लेकिन एक क्षेत्र में रह गए, अपने क्षेत्र में उनकी प्रचार हुआ, वही उनका कन्यादान आदि होते रहे आपस में, तो वही गोत्र उतने में सीमित रह गए, ऐसे सीमित गोत्र की बातें कर रहे हैं, प्राचीन देश में जो प्रसिद्ध सीमित गोत्र है उस अर्थ में हो, तो वहाँ पर यह प्राचाम, वहाँ ई का क्या होता है, यन से परमे जीवा प्रत्यय उसका लुक होता है, जैसे पन्नागारस्य अपत्यम, पहले बना लो पन्नागारस्य अपत्यमिति आतिशी हुआ, पन्नागारी बना, पन्नागारी ई प्रत्यय हुआ ना, अति आदि प्रत्यय होकर क्या रूप बनेगा, तो फिर पन्नागारी तो रूप बनेगा, और फिर तस्य अपत्यम युवा करो इति फक, फक प्रत्यय होगा, और तस्य पत्यम युवा, युवा पत्य लुक हो गया इस सूत्र से, यह प्राचाम फी लुक कौन से क्या होगा,
पान्नागारी ही पिता, पान्नागारी पुत्रश्च। ये दीर्घ नहीं है, दीर्घ बना लो, पान्नागारी। हाँ, दीर्घ बनाना पड़ेगा, गलत छपा है, नीचे ठीक छपा है, ऊपर गलत छपा। पान्नागारी पिता, पान्नागारी ही पुत्र। नीचे दिया देखो, पन्नागार से गोत्रापत्य युवापत्य च पान्नागारी रित्य रूपम इत्यर्थ। बाल रूप में स्पष्ट है, तो ई का वृद्धि तो रुके हटेगा नहीं ना, फक को लेकर वृद्धि नहीं होगा, कि फक लुक हो गया, लेकिन ई को जगह जो वृद्धि है वो थोड़ी दूर होगा, ई तो श्रवण हो रहा है, उसके वृद्धि भी श्रवण होगा। प्राचाम किम, प्राचाम क्यों कहते हो, दाक्ष ही पिता, दाक्षायण पुत्र हो, दक्ष से गोत्रापत्यम दाक्षी, और दक्ष से अपत्यम युवा दाक्षायण, भिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि प्राचीन दिशा का गोत्र है, उत्तर दिशा का गोत्र है, दक्ष प्रजापति उत्तर में मानते हैं ना, ये तो यज्ञ कर रहा था हरिद्वार में, वो यहीं कहीं का होगा राजा रहा, तो इसलिए वो उत्तर भारत के प्राचीन दिशा के नहीं है, अतः यहाँ पर युवा प्रत्यलुक नहीं हुआ, तो दाक्षायण पुत्र बन गया। न तौलवलिभ्य, न तौलवलिभ्य, न वे तौलवलिभ्य पंचमी, तौलवल्यादिभ्य परसिव प्रत्यस लुंग न स्याद, तौलवल्यादि जो गण में पड़े शब्द हैं उनसे परम्यावय युवा प्रत्यय वह लुक नहीं होता, पूर्वेण प्राप्त, पूर्व से प्राप्त लुकों को ये बाधेगा, कि तौलवली है ना, इयंत था तुलवल से गोत्रापत्यम तौलवली, इयंत होने से पुरुष से यहाँ प्राचीन से लुक प्राप्त था, उसको बाध दिया इसने, पूर्वेण प्राप्त तुलवल ऋषि का नाम था, तथा ई और फक, और फक को लुक कर दिया, तो यहाँ प्राचीन लुक प्राप्त था, इन प्राप्त हो इसने निषेध कर दिया, न तौलवल, इसलिए तौलवली पिता, तौलवलायन युवा, गोत्रापत्य हो गया तौलवली, युवा पत्य हो गया तौलवलाय, तौलवलायन यहीं ओश्च, यहीं ओश्च से फक हुआ, वो फक का लुक नहीं होने से तौलवलायन रूप बनता है। यहाँ तक टीका देखो, योनिलोक प्राग द्वितीय वर्तते अचीति चा, दोनों की अनुवृत्ति है, प्रत्याधिकाराच प्रत्यय लभ्यते तदे तदा प्राग द्वितीय अजाद प्रत्यय पर इति विवक्षित, परे नहीं कहना है विवक्षित कहना, प्रत्यय श्लोक की संज्ञा करणात् लब्धो यह प्रत्यय, लुक जो है प्रत्यय से लुक, लुप इसे लुक कहने से अर्थ ज्ञापन हो जाता है, प्रत्यय का संज्ञा है लुक संज्ञा, स योनि इत्यनेन विशेषते, वो वह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, कहते यूनि प्रत्यय, यूनि के साथ संबंध जोड़ दो, तदा यूनि यह प्रत्यय तस्य लुक ऐसा अर्थ हो जाएगा, इत्यर्थस तदा युव प्रत्यय इत्यादि, वक्षमाण इति प्राचाम अवृद्धात् फिन बहुलम इति वक्षमाण, ये आगे कहने वाले सूत्र से फिन हो गया तो ग्लुचुकायनी बना, अजादो किम ग्लौचुकायन रूप्यम, यह हलादि प्रत्यय हो गया, रूप्य प्रत्यय, प्राग द्वितीय किम ग्लौचुकायनीयम कहा ले जाएंगे, तस्मय हितमिति चा, यह द्विगौर लुक गणपत्य अचि यूनि गोत्रे न इत्येव इत्येव सूत्रितव्यम, वासुन का ऐसे सूत्र बना सकते थे, हाँ द्विगौर लुक अनपत्य अचि और यूनि गोत्रे न इत्येव सूत्रितव्यम, ऐसा सूत्र कर देते गोत्रे, आपने अलग सूत्र बनाया गोत्र लुक अचि, एक सूत्र बना दिए यूनि लुक, एक सूत्र बना दिए उससे पहले जो द्विगौर लुक अनपत्य बता दिए, तीनों सूत्र मिलाकर एक सूत्र बना, दो सूत्र में बना दो, एक सूत्र घटाओ, तथा च लुग लुग ग्रहणम शक्यम अकर्तुम इति मनोरमायाम स्थितम, यदि ऐसे कर से लुक अलग और अलुक अलग ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता, तत्र फक्फ योह इति सूत्रे यूनि इत्यस्य मंडुक प्लुतिर आश्रय इति क्लेशोयम लाघवान रोदन सोडभ्य इति भाव, लाघव के अनुरोध पर इतना तो क्लेश शब्द उठाना ही पड़ेगा, फक्फ योह इस सूत्र में यूनि इसको मंडुक प्लुत से ले जाओ तो सारे आपत्ति अपने आप दूर हो जाएगा, तो लाघव भी हो जाएगा, पहलादिभ्यश्च नियक्षत्रियार्षित्य तो यूनि लुक इति अनुवर्तते तदा युव प्रत्यस लुक इति पीलाया वायति अपत्य अणिविहिते गोत्रापत्य प्याण एव अपत्यर्थ भी जो है वो गोत्रापत्य में अलग कोई विधान न होने पर वो गोत्रापत्यर्थ में भी अणि माना जाएगा, एको गोत्रे इति वक्षमाणत्वात् क्योंकि आगे सूत्र होने वाला है एको गोत्रे,
ततो अन्नंतात् पहले शब्दात् अपत्य अपि विद्यमान अफी युवापत्य परिवसति, इसलिए अनंत पहले शब्द से अपत्य अर्थ में भी जो फी है उसका व्यर्थ युवापत्य में ही चला जाएगा। तस चफियो आने लुक, उस फी को पहलाद भेष से लुक किया जाएगा। एवं च पीलाया अपत्य गोत्रापत्य युवापत्य, पीलाया अपत्य गोत्रापत्य युवापत्य च तीनों में एक ही रूप बनेगा। अवैरूप्येण पहला शब्द प्रयुज्यते, पहला ही होगा। पीलाया अपत्यम पहला अण होगा, और पीलाया गोत्रापत्य में भी अण पहले ही बना, और युवापत्य अर्थ में भी वो जो आया हुआ जो अनंत से पर में क्या आया था, अनंत से पर में फी, वो फी को लुक कर दिया आपने। अणोद्वेच से फी आया था ना, उसको लुक कर दिया, इसे वहाँ भी पहला रूप बन गया, वहाँ भी पहला रूप ही बन गया। तीनों अर्थ में पहला बने, इसे बेटा पोता पर पोता। पीला नाम का कोई है स्त्री, उसके बेटे का नाम भी पहला, पोते का नाम भी पहला, पर पोते का नाम भी पहला ही पड़ गया। पहला पुत्रा पुत्र चेती पहला दिशु ये यंता सालंकी सात्यकी औदमेयी पैंगली प्रवृत्तः तेभ्य यह प्राचम दिलुकि सिद्धे अप्राचाम अर्थ पाठ दिखे यम। वहाँ पर यह प्राचाम सूत्र के द्वारा ही जो लुक सिद्ध था, फिर क्या जरूरत थी इसको दोबारा इस गण में लेने को, इसलिए लिया गया अप्राचीन देश का गोत्र मान करके अप्राचाम। तद राजाचाण गण सूत्र में जान तद राज संचकात् परस्य युव प्रत्यय लुक, तद राज संचक जो प्रत्यय हैं उनसे पर में कोई युव प्रत्यय आता है उस युव प्रत्यय यह गण सूत्र जो है लुक कर देता। तच्चे गोत्रम प्राचाम भवती थी, यह प्राचाम ग्रहणम गोत्र विशेषण, गोत्र का विशेषण। न च प्राचाम अवृद्धा इत्यादिवद विकल्पार्थम, यहाँ प्राचाम जो वहाँ पर ग्रहण किया था उस सूत्र में वो विकल्प की सिद्धि के लिए था। कहीं आचार्य ग्रहणम आदरार्थम होता है, कहीं आचार्य ग्रहणम विकल्पार्थ होता है, कहीं आचार्य ग्रहण देश विषय को बताने के लिए होता है। यहाँ जैसे प्राचाम ये देशवाचक शब्द है, प्राचाम प्राचीन दिशा के आचार्य, लेकिन वहाँ से आप देखेंगे केवल प्राचीन दिशा अर्थ में ले लेंगे, उस दिशा में रहने वाले आचार्यों का गोत्र। जब प्राचीन दिशा को कोई तो थोड़ा गोत्र होता है, दिशा का तो गोत्र होता नहीं, दिशा में रहने वालों के तो लोग हैं। लेकिन वह प्राचाम शब्द कहीं पर क्या होता है, पूर्व दिशा के आचार्य का मत बताने के लिए, और पाणिनि का मत ऐसा नहीं है, विकल्प हो जाता है। कहीं दिशावाचक शब्दों से तद दिशा के आचार्यों का मत बोलते हुए पाणिनि का मत से विकल्प करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे दिखाया प्राचाम अवृद्धात इत्यादि सूत्र में विकल्प पर के लिए प्रयोग हुआ, इन वैसे यहाँ नहीं है, यहाँ प्राचाम में विकल्प के लिए नहीं है, किंतु तद्देश के आचार्यों का गोत्र में ही ग्रहण करना इष्ट है। इसमें क्या प्रमाण है, इत्यत्र व्याख्यानम शरणम, व्याख्यान ही शरण है। दाक्षी पिता इत्यादि दक्ष से अपत्यम गोत्रापत्यम च पुमान, पहले बनेगा दाक्षी, और तस् युवापत्यं तो दाक्षायण इति भाव, क्योंकि प्राचीन दिशा का नहीं था इसे यहाँ जो फक हुआ वो लुक नहीं हुआ दाक्षायण। दाक्षे अपत्यम युवा या दक्षस्य युवापत्यम, जैसे पहले समझा दिया था दक्षस्य कहोगे तो युवापत्यम बोलना, यदि दाक्षे अपत्यम कहो करके बाद में युवा बोलना। दाक्षी का जो अपत्य वो दक्ष परंपरा का युवापत्य है ये बताना है। न तौल वलिभ्यः बहुवचन निर्देशात् गणपाठ सामर्थ्याच्च अर्थावगतिरिति विपरीत्यः, बहुवचन का निर्देश से और गणपाठ करने के सामर्थ्य से भी यह अर्थ का निश्चय हो जाता है। यहाँ तौलवलादिभ्यति दैवमित्री दैवयज्ञी श्वाफलकी आसुरी नैमेषी पौष्करसादि वैकर्णी इत्यादि गण तौलवादि ही। नहीं नहीं इत्यादि बोलते हैं ना, और भी है इत्यादि तौलवलादि गण में है, इति अगर तौलवलादि नहीं बोला ना, इत्यादि तौलवलादि। फक फ्योर अन्य तरस्याम, फक फ्योर अन्य तरस्याम, फक फ्योर षष्ठी का द्विवचन अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक कव्य देखने में सप्तमी एक वचन का दिखता है। यूनिलुक से अनुवृत्ति है, नीति लुक प्राप्त था, उसको विकल्प करने के लिए सूत्र आरंभ है। फक और फी इन दोनों का विकल्प से लुक
विभक्ति विप्रतिरूपक अभ्य यूनिलुक इति नित्य लुकी प्राप्ति। यूनिलुक से क्योंकि फक भी फी भी दोनों युवा प्रत्यर्थ में ही होता है, इन दोनों को लुक करना है आपने, वो तो यूनिलुक से ही हो जाएगा। युवा प्रत्यर्थ में जो फक और फी लुक होना ही है, फक फी के अन्य भी जो जो हो रहा है सकल प्रदान भी होता है युवा पथ में, वो भी लुक हो जाएगा। सब लुक कर रहा था उसको, इनको भी लुक कर देता, लेकिन विकल्प से करने के लिए अलग से सूत्र बनाया। यदि नित्य लुक की प्राप्ति है विकल्पार्थम सूत्रम कात्यायन से छात्रा कात्या और कात्यायनीया दोनों बनेगा। कात्यायन से छात्रा हमें जो कात्य बचेगा क्योंकि आयन लुक हो जाएगा, फक फी लुक कर दिया ना आपने, फक लुक हो गया तो आयन चला जाएगा, फक के कोई आदेश हुआ तो आयन कात्य बचा। और छात्रा का अर्थ में छ को ही आदेश, कात्य ईय बचता है, कात्य में यकार का कार लोप, यकार के अकार लोप हो जाएगा और यह भी लोप हो गया तो कातियाहा बनेगा पहला रूप, और जब लुक नहीं हुआ कात्यायनी आहार बनेगा। यस्कस्य अपत्यम यास्क शिवाध्ययन किया तस्य अपत्यम युवार्थ में यास्कायनी ही बना, अणोद्वच से फी हुआ यहाँ पर, तस्य छात्रा इस अर्थ में दोनों बनेगा यास्किया यास्कायनी आहा। यास्किया में क्या आयन लुक हो गया, यास्क बचा, यह है अलोप यास्किय स्वायत्पत्ति यास्किया हा। और यास्कायनिया में आयन लुक नहीं हुआ छक आदेश तो अलोप होकर के यास्कायनीय लुप प्रणा बहुवचन में सा यास्कायनिया हा। अब तक आपने प्रकृतियों को देखा, प्रत्ययों को भी देख लिया और अपत्य बोल बोल के रूप भी बना लिए, लेकिन अभी तक वो सूत्र तो आया नहीं तस्य अपत्यम मुख्य सूत्र, अब वो सूत्र ला रहे तस्यापत्यम तस्यापत्यम तस्य षष्ठी एक वचन अपत्यम प्रथमिक वचनांत है। षष्ठ्यंतात् कृत संदेह है समर्थात् अपत्यर्थे उक्ता वक्षमाणाश्च प्रत्यया वास्यो। तस्य का अर्थ क्या लेना, षष्ठ्यंत, कैसा षष्ठ्यंत हो, कृत संदेह संध्याधिकारी हो चुके सुबंत, समर्थात माने प्रयोग योग्यात् ये कहा ना प्रयोग योग्य होना चाहिए, समर्थ का मतलब प्रयोगार्थ परिनिष्ठित, ऐसे सुबंत पद से अपत्य अर्थ में अभी तक कहे हुए प्रत्यय जितने उक्ता और आगे कहे जाने वाले वक्षमाणाश्च प्रत्यय वास्य हो विकल्प से होता है। उपगोर अपत्यम औपगव, उपगोर अपत्यम औपगव, यहाँ प्रश्न उठता उपगु है, उससे आपने क्या कर दिया सामान्य अण प्रत्यय, अण प्रत्यय करने से क्या हुआ उपगु अ रहेगा, अब अण है नित, प्रश्न उठता है अचो इनिति से अंति वृद्धि करें या तृतीय वचाम आदेश है आदि वृद्धि करें, अंति वृद्धि और आदि वृद्धि दोनों प्राप्त हुए एक साथ, इन कहते हैं हम यहाँ विप्रषद विप्रषद नहीं है, अंत वृद्धि अंत में प्राप्त है, आदि वृद्धि आदि में प्राप्त, एक ही जगह का लड़ाई हो रहा है, परम कारण तो बोल नहीं सकते, इसे दोनों हो जाए तो औप गौ हो जाएगा, अनिष्ट रूप हो जाएगा, औप गाव रूप बनेगा वहाँ पर, औप गवा बनाना है, गुण करना है और गुणों सामने, और गुणों से गुण करना है वहाँ पर, इसे कहते आदि वृद्धि और अंत्योपदा वृद्धि बाधक है, आदि वृद्धि हमेशा अंत्य वृद्धि और उपधा वृद्धि दोनों को बाध देता है। कैसे बाधता है, प्राप्ति कैसा है, बाध कैसे है, ये सब समझाएंगे विस्तारपूर्ण टीका में जाएंगे, एक कार्य का भी आएगा उसके बाद, पहले यहाँ तक ये टीका कर लो, सूत्र सूत्र निपटा, इसको छोड़ देते हैं। कात्यान से कतस्य गोत्रापत्यम कात्य, कत का जो गोत्रापत्य हो जाएगा कात्य, गर्गादित्वादि यहीं तो यूनि यहीं योश्चित फक, और फक का विकल्प से लुक हुआ कात्या यदि आपत्तिष्ठित अनादिति यलोपः, या कात्या कैसे हो गया कात्या था, ठीक है आप फक लुक कर दो हमें कोई दिक्कत नहीं, फक लुक होने क्या बचना चाहिए कात्य बचना चाहिए ना, यही अंत वो य कहाँ चला गया, कात्य कातिया ऐसा बने कातिया बनना चाहिए, कात्या कैसे हो गया सीधे, तक कहते पहले ऐसे जैसा कार लोप कर दो और आप अनाति इस सूत्र से यह का विलोप कर दो,
कात बचेगा, यह मिला दिया कात याहर बन जाएगा। तस्य पत्या तस्यति न स्वर्पग्रहण, या स्वर्पग्रहण नहीं करना, किंतु षष्ट्यंत मात्र उपलक्षणम इति आशेना, षष्ट्यंत मात्र को उपलक्षित करने के लिए इस आशय से कहते षष्ट्यंतादिति। पंचम्यर्थ अत्याहार लभ्य, अरे षष्ट्यंतात कैसे कह दिया आपने फिर, समर्थानाम प्रथमात वाका है, प्रथमात कह दिया था, वहां से इसके आधार पंचमी लाएंगे सुबंतात तथ करते, षष्ट्यंतात सुबंतात समर्थात है, ये प्रयोग निष्ठ कृत संधिकारी वाला, संधिकारी कर चुके हैं ऐसा जो प्रयोगार पर निष्ठित, उसी से आप करना है ना, इसे सुबंतात अपना आप आ जाएगा पूरे तद्यत में, सुबंतों से ही तद्यत प्रत्यय होना है, केवल प्रतिपी से होगा ही नहीं, केवल धातु से होगा ही नहीं, तिंगन से भी करेंगे तद्यत प्रत्यय होता है, तिंगस्य सूत्र है उचित, लेकिन अधिकतर सब सुबंत से ही हो प्रायः।